जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आदिवासी परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं गणित का पेपर। दोस्तों ये 100% रियल वाला पेपर आ गया। दोस्तों जल्दी से इस पेपर को पूरा याद कर लीजिए। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, वो यहाँ पर समय पूछा जाने वाला 3 घंटे 15 मिनट का। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछा है, परिमेय संख्या 13/25 का दशमलव प्रसार है। तो दशमलव प्रसार क्या है आपको बताना। दोस्तों आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट का लिख लेना है। अब दोस्तों आपके पास दूसरे पर सही देख लीजिए, निम्न में एक द्विघात बहुपद नहीं है, यह आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपके पास डी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास तीसरे दोस्तों यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न रेखीय समीकरण युग्म के हल x+y = 4, x - y = 2। तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका पर राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए ए वाला, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर चौथा यहाँ पर सही वाला देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है समांतर श्रेणी 8, 3 - 2 डिजिट्स का सर्वांतर क्या होगा। आपको सर्वांतर निकालना है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपके पर डी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा दोस्तों बिंदु -5 - -4 कौन से चतुर्थांश में होगा, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, 1+10² 45° का मान होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ए वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर सातवां यहाँ पर सही देख लीजिए, पूछा दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। यहाँ पर पूछा है cos 48° - sin 42° इज का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों इसका मान क्या होगा ये आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका पर राइट आंसर दोस्तों आपके यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों आप लगा लीजिए, इसमें चार ऑप्शन दिया, चारों में से आपको राइट ऑप्शन चार्ट का लिखना है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, ठीक है। 0 इसमें राइट आंसर आ जाएगा। जब दोस्तों आपका यहाँ पर cos 48° ठीक है, cos 48° - sin 42° का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जब दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें कोस यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 48° दोस्तों आप कर देंगे 90, ठीक है। तो 90 में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ दोस्तों यहाँ पर साइन हो जाएगा, तो साइन से आप कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बराबर दोस्तों आपका 0 आ जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर सभी कल पूछा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 154 cm² है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपका ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। दोस्तों आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, 2। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, आपको पूछा है निम्न से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि माइनस में कोई सी प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर समीकरण देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है द्विघात समीकरण की घात होती है। दोस्तों द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है तो आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर सी वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 2 पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थान की पूर्ति करना है, तो पहले खाली स्थान यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। इसमें दोस्तों आपका +-3 आ जाएगा, ठीक है, +-3 इसमें राइट आंसर आ जाएगा पहले खाली स्थान में। अब दोस्तों आपके पास दूसरे खाली स्थान पूछा है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 से, तो इसका कौन सा हल होगा, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका अद्वितीय हल आ जाएगा। दोस्तों इसमें राइट आंसर अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका अद्वितीय हल आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों पांचवे क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों इसमें आपका पूछा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको इसके शून्य ज्ञात करना है। आप शून्य किस तरह से निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप दोस्तों यहाँ पर व्युत्क्रम का सूत्र लगाकर इसका शून्य निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास छठे पर क्वेश्चन देख लिया, पूछा है द्विघात समीकरण x²-3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, इसमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूल किस तरह से निकालेंगे दोस्तों, तो आप दोस्तों यहाँ पर योगफल का सूत्र वो दोस्तों गुणनफल का सूत्र लगाकर दोस्तों इसमें यहाँ पर दोस्तों आप मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर सातवें क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको दी गई है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 11 पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको 11 पद ज्ञात करना है।
अब दोस्तों आपके पर आठ क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना है दोस्तों, आपको इसको सिद्ध करना है ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज का यहाँ पर सूत्र लगाकर मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाकर दोस्तों इसका मान निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके पास नौ यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर इस पर रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या मतलब आर इसमें ज्ञात करना है ठीक है। अब दोस्तों आपके पास दसवें क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखांकन खींचिए और इसे 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। अब दोस्तों 11 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पूछा है एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और यहाँ पर -2-9 से समदुष्ट है। अब दोस्तों आपके पर 12 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है यदि टेन टू ए बराबर कोट ए -18 जहाँ 2a एक न्यूनकोण है तो आपको a का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों आपके पास 13 यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें एक आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में ठीक है। फटो दोस्तों इस पेपर को पूरी याद कर लीजिए, पूरा रट लीजिए ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन देख लीजिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचिए गया है, मतलब दोस्तों आपको सिद्ध क्या करना है दोस्तों, आपको इसको सिद्ध करना है ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 15 यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, 15 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन देख लीजिए, 16 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर दोस्तों एक आपको दोस्तों यहाँ पर दिया है इस जिसमें दोस्तों आपका माध्य भी यहाँ पर 4 दिया है, तो आपको इस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे दोस्तों, तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन में करेंगे दोस्तों 3+4+8+ यहाँ पर 5+x+3+ दोस्तों सबसे आपको इन सभी को जोड़ देना है, इनको जोड़ने के बाद कितनी संख्या दोस्तों आपकी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों जब आप इसमें 8 का भाग दे देंगे और बराबर के बराबर में दोस्तों आप 4 रख देंगे तो दोस्तों इसके माध्यम से आप यहाँ पर एक से कमान निकाल सकते हैं ठीक है। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको प्रायिकता ज्ञात करना है ठीक है। दोस्तों आपको बिंदु दिए गए दो, तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम चलते हैं खंड सा पर, तो आपका यहाँ पर पार्ट सी से यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है समीकरण आपके दी गई है यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इन दोनों समीकरण को आपको यहाँ पर ग्राफी विधि से हल करना है ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर हमारे जो खाली स्थान पूछे गए थे ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेज दोस्तों उल्टा और सुलटा सीधा होगा ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप खाली स्थान देख लीजिए, आप पूछा है यहाँ पर समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 42 डेनिस का 11 पद खाली स्थान है, दो तो 11 पद कितना होगा ये आपको बताना है ठीक है। या वो चौथा खाली स्थान देख लीजिए, आप पूछा है यदि दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात 4:9 हो तो इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 का भी वर्ग आपको कर देना 16 हो जाएगा ठीक है, और 9 का भी आप वर्ग कर दीजिए तो आपका 81 हो जाएगा। तो इस खाली स्थान में आपका यहाँ पर 16:81 आ जाएगा ठीक है। अब दोस्तों आपके पर पाँचवें खाली स्थान देख लीजिए, आप पूछा दोस्तों बिंदु 2 और 3 तथा यहाँ पर 4, 1 के मध्य दूरी होगी, दोस्तों आपको यहाँ पर दूरी का सूत्र लगाकर इसका दूरी निकाल सकते हैं ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 10 90 -θ बराबर, दोस्तों 10 90 -θ का मान कितना होगा ये आपको पता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों, आपका इसमें आ जाएगा दोस्तों sin θ हो जाएगा ठीक है, sin θ इसमें राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान देख लीजिए, आप पूछा है sin²θ लिख ले +cos²θ लिख ले का मान खाली स्थान होगा, तो इसका मान कितना होगा ये आपको पता है दोस्तों, इसका आंसर आप लगा लीजिए दोस्तों, इसका आंसर आपको आपकी बुक से देखकर लगा लेना है ठीक है। अब दोस्तों आपके पर अगला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर पूछा दोस्तों यहाँ पर देख लिए किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान इस पर रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी इस पर से रेखा खींची जा सकती है ये आपको बताना है, किसी बाहरी बिंदु से ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी यहाँ पर दोस्तों रेखा खींची जा सकती है आपको पता है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका अनंत आ जाएगा ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके पर प्रश्न 3 पूछा गया था अति लघुत्तरी प्रश्न, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर अति लघुत्तरी यहाँ पर प्रश्न पूछा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, दोस्तों फटाफट दोस्तों इनके आंसर आपकी बुक से देखकर लगा लेना और याद कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास अगले यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका दोस्तों यहाँ पर दिया दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इन सभी के आंसर आपको फटाफट याद कर लेना ठीक है। अब दोस्तों आपके पर खंड 12 से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है, यहाँ पर देख दोस्तों न्यूक्लियर विभाजन विधि द्वारा 26 और 91 का महत्तम समापन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन पूछा दोस्तों, 19 क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 19 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है ठीक है।
अब दोस्तों आपके पास 20 हो या क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास खंड 10 या क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको आठों क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 22 क्वेश्चन देख लीजिए, 22 क्वेश्चन में आपको आठों क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। अब दोस्तों आपके पास 23 क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें दोस्तों आपको आठों क्वेश्चन दिया, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। दोस्तों ये आपका पेपर कक्षा 10वीं का गणित का पेपर कंप्लीट होगा, इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी आदिवासी परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।